देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं जरा रामलला और प्राण प्रतिष्ठा वाले भव्य समारोह की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन जब राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन आज पहले दिन ही इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया है। अफरा तफरी का सा माहौल है, भीड़ जो है वो रह रहकर बेकाबू हो रही है। लिहाजा राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं को अब रोक दिया गया है। बाद में व्यवस्था बनाने के लिए एक रास्ता निकाला गया। पुलिस ने तय किया कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्गों और महिलाओं को आगे भेजा जाएगा। आम जनता के लिए राम मंदिर के कपाट खुलने पर आज पहले दिन की सुबह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीधी तस्वीरें आप अयोध्या राम मंदिर से देख रहे हैं, जहां भीड़ अब नियंत्रण से बाहर किस तरीके से हो रही है ये आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं। ज्यादा संख्या में आस्था का जन सैलाब जो अब अनियंत्रित होने की कगार पर है, और रस्सी तोड़कर आपको आगे किस आगे जो कतार है उसमें लोग दिखेंगे जो धीरे धीरे कर भागना चाहते हैं, क्योंकि ये कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ को काबू में रखना है। और ये मैं कहूंगी कि राम भक्त जो घंटों से लाइन में खड़े थे, धीरे धीरे करके अब ये सभी निकलने लगे हैं। और आप समझिए कि चूंकि भीड़ जब ज्यादा हुई तो ये कहा गया कि महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको पहले रखा जाएगा। और ऐसे में इस भीड़ को देखिए, इस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए, ये जो लोग हैं आपको रस्सी के नीचे से नजर आएंगे, इनमें से कुछ हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक रस्सी जिस पर बल दिया जा रहा है ताकि उस तरफ जो लोग हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ जाए, लेकिन वहां से लोग आ रहे हैं। और ये देखिए जरा, ये आपके सामने तस्वीर है यहाँ जब प्रशासन के लिए ये चुनौती हो गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जो धीरे धीरे कर लोगों को पीछे की तरफ रखने की कोशिश कर रही है। और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अंदर भीड़ ज्यादा है, आप पीछे की तरफ रहे, हमें जब अनुमति मिलेगी हम आगे की तरफ रखेंगे। और पीछे से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राम मंदिर की तरफ। आज पहला दिन है दर्शन के लिए, जब आम लोगों के लिए खोला गया है गेट, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, जो सुबह से गर्भगृह के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, रामलला के विग्रह को देखने की कोशिश कर रहे थे, दर्शन करने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है। और सबसे बड़ा सवाल इसके साथ साथ ये भी खड़ा होता है कि जब ये अनुमान लगाया गया था तो क्या ये तैयारी पहले नहीं होनी चाहिए थी। ये देखिए जरा, ये देखिए, एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स और इसके अलावा सीआरपीएफ की जो टीम तैनात है वो यहाँ से पीछे की तरफ कर रही है इन भक्तों को, और वहां से दूसरी तरफ से धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो आगे में आपको कतारबद्ध लोग नजर आ रहे हैं इनको पीछे की तरफ से धक्का दिया जा रहा है और ये आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जद्दोजहद जो है वो पिछले लगभग एक घंटे से चल रही है, मुश्किल हो रहा है फिलहाल प्रशासन के लिए यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करना। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज अयोध्या। इस रिपोर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आस्था का जन सैलाब है और व्यवस्था पर सवाल है। हम सीधे आपको ग्राउंड पर भी लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अयोध्या धाम से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।